My dear students, I am Sanjay Singh, chemistry teacher as well as motivator for students and guardians. दोस्तों, ये मेरा तीसरा वीडियो है और आप लोगों का जितना स्नेह मिला उस स्नेह से मेरा उत्साह है प्रति क्षण प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है. इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद. दोस्तों, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में जो मैं अंतर पिछले क्लास में पढ़ाया था वो तो 12 के लिए तो एक नंबर तो जरूर देगा. अब भगवान की इच्छा होगी तो कम से कम 12 क्लास में 2 नंबर का मिल जाएगा. आज का जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ वह है मेरे वैसे स्टूडेंट के लिए भी उपयोगी होगा जो कंपटीशन का तैयारी भी कर रहे हैं. अब उसका प्रमाण वे लोग समझ जाएंगे कि संजय सरी वीडियो रियल में कंपटेटिव तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए भी दे रहे हैं, अर्थात जिसको बगलिया में नौकरियां चाहिए उसके लिए भी ये वीडियो है. थैंक यू दोस्तों. अब मैं पुनः केमिस्ट्री में आ रहा हूँ. देखिए, पिछले क्लास में हम लोग क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में जो अंतर पढ़े थे अब उसी में से मैं एक अलग टॉपिक डाल रहा हूँ जो कि किताब में तो नहीं है लेकिन आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है. जैसे हम लोगों से पूछता है कास्टिक सोडा का सूत्र, कास्टिक पोटास का सूत्र, धोवन सोडा मतलब वाशिंग सोडा का सूत्र, लाइम एस्टोन लाइम सोडा लाइम, ये सब क्वेश्चन हम लोगों को परीक्षा में पूछते रहता है. तब मैं ऐसा काम किया हूँ कि ऐसा सेट कर दिया हूँ कि एक टाइप का क्वेश्चन इकट्ठा हो गया है. जैसे जब जब उस सोडा कहेगा तो सोडा कहेगा देखिए यहीं से काम निकल गया, सोडा धोवन सोडा सोडा लाइम. अब एक टेक्निक सुन लीजिएगा, बड़ा कंफ्यूजन होता है कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास में. दोस्तों, जब सोडा कहे तो ध्यान रखिएगा वहां सोडियम रहेगा, जब पोटास कहे तो याद कर लो यारो उस समय पोटेशियम रहेगा. अब ये बताइए तो चुटकी बजाते हुए याद हो गया कि नहीं? तो यदि आप लोग सहयोग कीजिएगा तो अभी ये तो रिहर्सल है, अभी पूरा ड्रामा तो बाकी है. आगे सुनिए, सुनते जाइए. धोवन सोडा, अब तो धोने वाला सोडा कहीं मिल नहीं रहा है लेकिन उसका फार्मूला पूछता रहता है. तो धोवन सोडा का फार्मूला Na2CO3 10H2O. दोस्तों, Na2CO3 का नाम तो सबको जानता है सोडियम कार्बोनेट, लेकिन ये 10H2O का पूछा जाए कि 10H2O के लिए क्या कहिएगा तो शायद कोई कोई जो तेज बच्चा होगा वह बताएगा. 10 का मतलब डेका होता है और जल का मतलब हाइड्रेट होता है. तो 10 के लिए डेका हो गया और जल के लिए हाइड्रेट हो गया. यदि यही पर 7 रहता तो 7 के लिए हेप्टा हो जाता और वहां हेप्टा हाइड्रेट कह देते. दोस्तों, अब सोडा वाला बात एकदम ध्यान से सुनिएगा, यहां से क्वेश्चन कंपटीशन में आएगा जिसे नौकरियां मिलता है. अब मेरे साथ याद कर लीजिए, कास्टिक सोडा सोडा है, सोडियम रहेगा, NaOH नाम तो आप लोग तो सब विदित है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH के लिए हाइड्रोक्साइड. फिर कास्टिक पोटास है, मैं कहा था पोटास है तो वहां पोटेशियम रहेगा, देखिए मैं अंडरलाइन किया हूं. तब कास्टिक पोटास का फॉर्मूला KOH नाम हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. अब धोवन सोडा तो आप लोग जानिए गए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सोडा लाइम.
सोडा लाइन, सोडा लाइन देखो भाई एकदम तोड़ दो इसको, सोडा और प्लस लाइम, लाइम माने चूना, और चूना का फॉर्मूला होता है CaO, जिसको कली चूना भी हम लोग कहते हैं। और अभी आप लोग देखे हैं कास्टिक सोडा, वहां से आया है सोडा, अब ये हो गया NaOH प्लस CaO, सोडा के लिए आ गया NaOH, लाइम के लिए आ गया CaO, दोनों को मिला दीजिए सोडा लाइम। इसका मतलब सोडा लाइम कोई कंपाउंड नहीं है, यह मिक्सचर है। मिक्सचर मतलब मिश्रण है दो यौगिकों का, कौन कौन यौगिक, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। ये देखिए मैं एक प्रयास किया हूँ कि एक प्रकार का चीज इकट्ठा हो जाए, तो पठारे जब एक प्रकार का चीज मैं इकट्ठा कर लिया, तो यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो एकदम पट्ठा ये बात सुन लो, इसको इकट्ठा याद कर लेना, आ यहाँ से नौकरिया में लड़ेगा लड़ेगा गारंटी है। अब बार अगला बात सुनिएगा, सोडा वाला तो मैं कुछ क्लियर कर दिया, अब देखिए चूना वाला। बड़ा मेहनत किया हूं दोस्तों आपको लिए कि सब चीजें इकट्ठा हो जाए। कली चूना क्विक लाइम, कली चूना भी वही सी है वो आप जो देखे हैं कैल्शियम ऑक्साइड जो पीछे मिला था। अब चूना पत्थर, ये तो सब लोग जानते हैं चूना पत्थर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसी चूना पत्थर को संगमरमर भी कहा जाता है। ये मत भूलिएगा कि संगमरमर और चूना पत्थर भले दो नाम है, लेकिन केमिस्ट्री के दृष्टि से दोनों एक ही है, और वह है कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं उस कमेंट से मेरा छाती चौगुना चौड़ा हो जा रहा है। अब आगे देखिएगा, बुझा हुआ चूना, देखिएगा बुझा हुआ चूना के लिए कैसे टेक्निक ला रहा हूं। जो कली चूना है उस पर जब पानी डालिएगा तो खौलने लगता है, मतलब उष्मा छेपी अभिक्रिया होता है। उष्मा छेपी मतलब एक्सोथर्मिक, एनर्जी देगा एनर्जी बाहर करेगा। इसका मतलब एक दिन हुआ क्या कि मेरा घर का पोता ही हो रहा था, मैं लाया कली चूना, एक मेरा स्टूडेंट आया और पनिया में ऐसे डाल दिया कली चूनवा को, तो कली चूनवा को डाला ऐसे देख रहा था। अब बताइए हुआ क्या कि चूनवा उनवा उड़कर उसके भूभू नवा पर पड़ गया, फोड़ा फोड़ा हो गया। क्यों हुआ, तो उष्मा निकला और उष्मा के कारण उसको मुहमा पर छाला पड़ गया। मैं उसको दवा भी कराया और कहा कि देखो रे ये केमिस्ट्री है, यदि प्रयोगशाला में जाओगे कुछो कुछो मिला दोगे तो कभी कभी आगो लग जाता है, इसलिए सावधान, केमिस्ट्री पढ़ने वाले सावधान, कुछो कुछ कभी मत मिलाइएगा, जब जानकारी हो तबे मिलाइएगा। जैसे मेरा स्टूडेंट वह फेरा में पड़ गया, कली चूना को उठाया पनिया में डाल दिया, तो पनिया में डाल दिया तो उष्मा निकला जिस कारण उसका मुहावा झुलस गया। अब आगे का बात दोस्तों ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यह जो चूना था यह है कली चूना है, और जब उसमें पनिया में डाल दिया तो चूनामा बुझा हुआ हो गया, जैसे आग पर पानी डाल दिया आगे बाद बुझ गया, तो अब बुझा हुआ चूना पर मतलब CaOH होल्ट वाइस जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड याद करना दोस्तों, कंपटीशन में ही तो पूछेगा तुमसे, कंपटीशन में ही तो पूछेगा लाइम वाटर किसे कहते हैं। तो लोग
बुझा हुआ चूना, भखरा चूना, ये सब जानते हैं, जिसको इंग्लिश में सेलेक्ट लाइम कहते हैं, लेकिन लाइम वाटर कोई कोई जानता है, इसलिए याद कर लो, इसी बुझा हुआ चूना को कहते हैं लाइम वाटर। क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइम के साथ मैंने वाटर डाला था और बन गया लाइम वाटर। आगे दोस्तों, अब आप लोग अब देखिएगा, ये क्वेश्चन तो खूब आता है, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो लोग कंपटीशन दिए होंगे वे लोग ही जानते होंगे कि सर जो बोल रहे हैं वो कंपटीशन में भी आता है, आता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला देखिए, CaSO4 2H2O। अब दो के लिए डाई कहते हैं, अब इसी का नाम देखिए क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम सल्फेट है, और दो के लिए डाई कह देंगे और जल के लिए हाइड्रेट कह देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। अब आगे पुनः देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक फॉर्मूला याद होते भी याद हो जाएगा, इसीलिए इकट्ठा किया हुए पट्टा। अब देखिएगा, अब क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस उसमें CaSO4 होल ट्वाइस है और H2O है। अब थोड़ा मैथ अप्लाई कर लो, यदि मैं दो यहाँ से कॉमन ले लूँगा, तो दो कॉमन लिया तो ही तो CaSO4 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो भाई, जिप्सम का फॉर्मूला कभी यह देगा कभी यह देगा, दोनों याद रखिएगा, क्योंकि जब एडवांस कंपटीशन में जाइएगा तो वहाँ पर ही बोर्ड का एग्जाम नहीं पास करना है कि चुटकुला जैसा क्वेश्चन देगा, वहाँ पर क्वेश्चन देगा कि 5 बरा कूला करना पड़ेगा तब तो बनेगा। अब याद करिए, दोनों को याद कीजिएगा, या तो यह ऑप्शन दे सकता है चाहे यह ऑप्शन दे सकता है। दोस्तों अब आप लोगों का इजाज़त हो तो आगे बढ़ें, अब देखिएगा, फिर आता है क्वेश्चन, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नौकरी के लिए, ट्वेल्थ में तो अबे करेगा एक दो क्वेश्चन इससे, और नौकरिया में गारंटी कहता नहीं हो, अबे करी लिख लो जा। इप्सम साल्ट MgSO4, MgSO4 का नाम तो सभी लोग दुनिया वाले जानते हैं, मैग्नेशियम सल्फेट, लेकिन जब वहीं पर 7 जोड़ दिया जाएगा तो कोई कोई आदमी बोलेगा, बाबू 7 के लिए आप लोग भी जानते होंगे हेप्टा, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना, 10 के लिए डेका, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी यहाँ पर वो बोल नहीं पाते हैं। तो अभी मैं बोला कि 7 के लिए क्या होगा, हेप्टा, और जल के लिए हाइड्रेट, देयरफॉर द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मैग्नेशियम सल्फेट, मैग्नेशियम सल्फेट हेप्टा 7 के लिए, और जल के लिए हाइड्रेट। दोस्तों अब इजाजत हो तो पुनः आगे बढ़ूं, अब पुनः देखिएगा, जो लोग नौकरी के तैयारी करते होंगे पुनः सुनिए, क्या एलम से क्वेश्चन नहीं आता होगा? जरूर आता होगा, आप लोग देख लीजिए, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, कंपटीशन का क्वेश्चन मैं कमे देखता हूँ, बाकी जब भी देखता हूँ तो देखता हूँ कि सब आता है। तो अब देखिएगा, एलम 3 प्रकार का, एलम में से कोई ना कोई एलम एक आएगा, देखिएगा 3 एलम, पोटास एलम, क्रोम एलम, अमोनियम एलम,
देखिएगा, इसी पोटास एलम को हम लोग फिटिकरी कहते हैं। थोड़ा माफ कीजिएगा, बोर्ड धीरे धीरे चलाने आ जाएगा, अभी इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी तो मैं तो भाई वही पुराना संजय हूँ, बाकी धीरे धीरे दो चार वीडियो में सीख जाऊँगा। अब ध्यान दीजिएगा कि पोटास एलम इसी का नाम फिटकरी है। अब K2SO4 Al2SO4 होल थ्रास 24 H2O। अब यहाँ से क्या कीजिए, पुनः कॉमन निकाल लीजिए। तो कॉमन निकालिएगा तो दो, जब कॉमन निकालिएगा तो देखिए यहाँ से दो कॉमन निकालिए, एक पोटेशियम बचा, अल्मोनियम दो था, कॉमन निकालिए दो, एक बच गया। एसओ फोर गिनिएगा तो यहाँ एसओ फोर एक है, यहाँ एसओ फोर तीन है, तीन एक चार हुआ, कॉमन निकालिएगा दो बच जाएगा। फिर 24 है, उसमें से दो कॉमन निकालिएगा 12 बच जाएगा। तो सुन लीजिए, अब पोटास एलम का जो फॉर्मूला आता है वह दोनों पूछेगा, या तो यह पूछेगा या यह पूछेगा। तो प्रायः सभी लोगों को यह तो याद है, लेकिन यह किसी किसी को याद है, लेकिन क्या याद करना है यार, यही फॉर्मूला में मैं दो कॉमन निकाल कर बोल दिया। तो उम्मीद है कि शायद आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, नहीं तो पुनः देखिए, मेन फॉर्मूला यही याद करना है। आ इसी फॉर्मूला में दो आप कॉमन निकाल लीजिएगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका। अब पोटास एलम में यहाँ पोटेशियम है और फिर अल्मोनियम है। अब क्रोम एलम में देखिएगा चेंज क्या होगा, जहाँ एल्मोनियम इसमें है वहाँ पर क्रोमियम आएगा, इस क्रोमियम के कारण इसका नाम हो गया क्रोमेलम। अब आगे देखिएगा, यहां पर अमोनियम एलम का फॉर्मूला ऐसे क्यों दिया, यहां पर दो दिया है, यहां पर होल थ्रैश किया है, यहां पर दो देकर यहां होल थ्रैश नहीं दिया है, इसका कंसेप्ट अच्छी तरह सुनिएगा। अमोनियम आयन होता है NH4K+1 चार्ज, इसका मतलब यहाँ वैलेंसी वन है। आ सल्फेट SO4 उस पर 2- होता है, जिसका वैलेंसी 2 है। जब वैलेंसी इंटरचेंज कीजिएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। फॉर्मूला देखिए आ गया NH4 होल ट्वाइस SO4। तो इस फॉर्मूला को देखिएगा, अलग हो गया ही अमोनियम एलम इन सबों से थोड़ा अलग हो गया। तो इन तीनों को याद रखिएगा और यहां से क्वेश्चन आएगा। अरे वाह, क्वेश्चन आ गया ही, जरूर आएगा। H2SO4 जिसको आप सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कंपटीशनों में आएगा। H2SO4 इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स, पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल। द किंग ऑफ केमिकल इज नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसी को अलग नाम है, इसी को बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल, उसी का नाम है स्प्रिट ऑफ विट्रियोल। और चूंकि इसका कलर जो होता है येलो मस्टर्ड, सरसों के तेल जैसा होता है, इसीलिए इसका एक और नाम आता है येलो विट्रियोल। दोस्तों ये सब याद रखिएगा, ये कहीं से कोई च्वाइस दे सकता है, क्योंकि कंपटीशन आज के युग में तो और कठिन होते जा रहा है। तो उसमें एक एक पॉइंट को बारीकी से याद रखिएगा, ये नहीं कि किंग ऑफ केमिकल याद हो गया तो बैठ गए, नहीं भाई, हो सकता है कि कोई ऑप्शन दे दे इसमें से। अब पुनः हम लोग आगे देखें,
पुनः देखिए, यहां से भी क्वेश्चन है। नीला थोथा, थोथा पर क्वेश्चन नहीं आएगा, आता है आता है। थोथा पर क्वेश्चन आकर थो बड़ावा छोड़ देता है थोथावा। लोगों को इतना कंफ्यूजन होता है कि हई होगा कि हऊ होगा, इसलिए शांत रहिएगा, सावधान से सुनिएगा। देखिए, सब थोथा को इकट्ठा किया हूं, जैसे खेत में से मोथा को इकट्ठा करके इकट्ठा किया तो थोथा को इकट्ठा कर दिया हूं। नीला थोथा, हरा थोथा, सफेद थोथा, लाल थोथा, अभी चारों थोथा में से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा और कंपटीशन में भी आएगा। जैसे आप देखिए, नीला थोथा, नीला का तो ये सब इंग्लिश जानते हैं, कहते हैं ब्लू, और थोथा का इंग्लिश याद कर लीजिएगा, थोथा का इंग्लिश है थोथा का इंग्लिश विट्रियोल है। जहां जहां थोथा है देखिए सब विट्रियोल 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 है। अब कलर पर ध्यान दीजिएगा, यदि ब्लू विट्रियोल कहा तो ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट, अब पांच के लिए भाई रे पेंटा होता है, तो कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट होता है वहां पर। अभी मैं बोला कि पांच के लिए पेंटा, जल के लिए हाइड्रेट, तब CuSO4 का नाम हुआ कॉपर सल्फेट, पांच के लिए कह दिया पेंटा और जल के लिए कह दिया हाइड्रेट। अब तो इतना मुझे विश्वास हो गया कि ये पांच छह जो दिया होगा इसका नाम आप आसानी से लिख सकते हैं, और नहीं लिखने आगे तो कमेंट बॉक्स वा है ही, उसमें पूछ लीजिएगा। आगे फिर अब मैं नमवा इसलिए नहीं लिखा हूं कि अब आप कमवा अपने से कर सकते हैं। जैसे हरा थोथा, हरा थोथा का फॉर्मूला है ग्रीन विट्रियोल, देखिएगा इसका नाम APSO4 को बोलेंगे फेरस सल्फेट, सात है तो हेप्टा, जल है तो हाइड्रेट, मतलब फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट हो गया। इसी तरह से यहां देखिए सफेद थोथा, सफेद थोथा व्हाइट विट्रियोल, यहां देखिएगा जिंक सल्फेट हेप्टा तब हाइड्रेट। पुनः लाल विट्रियोल ही तो बहुत कम मिलेगा, ये शायद तीनों कहीं कहीं किताब में मिल जाएगा, लेकिन लाल विट्रियोल मैं खोज खोज कर लाया हूं आपके लिए, और आप सहायता कीजिएगा। तो अभी 30 बरिस का जो ये दिमागवा में केमिस्ट्रिया है वो सब उझिल दूंगा, बशर्ते आप मुझे सहयोग कीजिएगा। तब केवल मोबाइलवा में मेरा केमिस्ट्रिया पढ़िएगा, गंदा चीजवा मत देखिएगा। लाल विट्रियोल देखिए यहां पर CO कोबाल्ट है, कोबाल्ट ऐसे, यदि ऐसे लिखिएगा तो वो दूसरा हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, सावधान। कोबाल्ट सल्फेट फिर सात है तो सात के लिए हेप्टा और जल के लिए हाइड्रेट, कोबाल्ट सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट। दोस्तों तय है कि बोर्ड एग्जाम में भी इतना से लड़ेगा और कंपटीशन में तो संजय का हृदय कह रहा है कि ऐबे करेगा। आ यहाँ से संजय नहीं बोलते हैं, या कोई ईश्वरीय शक्ति बोलता है। अरे वाह दोस्तों,
यहाँ से तो 12 का भी क्वेश्चन लड़ेगा और कंपटीशन का भी लड़ेगा। बहुलक और एकलक पूछता है, बहुलक माने बहुत से अणु एक साथ लग जाएंगे तो उसको कहते हैं बहुलक। और एगो सिंगल यूनिट होगा तो उसको बोलेंगे एकलक। जैसे मैं अभी अकेले हूँ तो एकलक हूँ, और जब आप साथ मेरे क्लासवा में बैठ जाते हैं तो हम लोग सब एक साथ हो जाते हैं, और वही हो जाता है रे दोस्तवा बहुलक। कोई दिक्कत नहीं खेनू, भोजपुरी में कहते रहो कि ढेर भोजपुरी बोलो तो कमेस्ट्री गबड़ाए लगी, ऐसे तनिए तनी कबो कबो भोजपुरी आवे दी हजा। अब देखिएगा पॉलीथीन, देखिए सब अक्रिस्टलीय चला, पहले जो मैं पढ़ाया था सब क्रिस्टलीय था, अब अक्रिस्टलीय में देखिएगा पॉलीथीन। पॉलीथीन का तो सब लोग हम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन कोई पूछेगा कि पॉलीथीन बना कैसे है, तो पॉली माने बहुत, आ इथीन लगा है तो बहुत से इथीन के मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाएंगे तो वह पॉलीथीन हो जाएगा। जैसे देखिए मैं दे दिया हूँ इथीन, जो लोग ऑर्गेनिक का क्लास मेरा किए होंगे वे लोग जानते होंगे, ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के लिए आता है ENE, आ चूंकि दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए आता है एथ, तो दो कार्बन के लिए एथ, डबल बॉन्ड के लिए ENE, तो यह IUPAC नाम हो गया एथीन। आ इसी एथीन में पॉली शब्द वा जुट गया है, पॉली माने बहुत लोग। तो बबुआ रे अभी तो हम अकेले ही मानी क्लास रूम में तोहनी के नई खस, अब रहता सब तब तो हम पॉलीथीन बना देती, अभी तो हम एकलक बानी एथीन बानी। अब ध्यान देना, कोई पूछेगा कि पॉलीथीन बहुलक है तो उसका एकलक क्या होता है, तो कह देना कि पॉलीथीन बहुलक का एकलक एथीन होता है। इसी तरह से सब है। अब आगे देखिएगा अब भाई रे, एक दिन क्या हुआ कि मेरा बगीचा में कॉल गलवाना था, तो मैं कहा कि लोहा का पाइप लाइएगा कि प्लास्टिक का पाइप लाइएगा, तो लोग कहे कि सर लोहा का पाइप बहुत महंगा पड़े, प्लास्टिक के पाइप से काम चल जाएगा कि लाइए, तो उस पर लिखा था PVC पाइपवे पर लिखा था। तो मैं उन लोगों से पूछा कि भाई PVC क्या है, तो बोले कि सर हम लोग पढ़े लिखे नहीं, हम लोग क्या जाने। तो मैं कहा कि आप लोगों को आज केमिस्ट्री यही बगीचे में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कहा कि सुनो इसका फुल फॉर्म है पॉली माने बहुत, विनाइल क्लोराइड, इसी का देखिए शॉर्ट फॉर्म कहाँ कहाँ से आया है, पॉली से P, विनाइल से V, आ क्लोराइड से C, इसी को शॉर्ट में कह दिया जाता है PVC। अब PVC पाइप तो सब कोई जानता है, लेकिन ई बतिया कोई कोई जानता है। अब इसी तरह से एक देखिए पैन माने पैन कार्ड नहीं की कहत हो भाई जी, पैन फुल फॉर्म देखिए पॉली एक्रोलिनाइट्रिल, निकाल लीजिए शॉर्ट फॉर्म P पॉली एक्रिलो नाइट्रिल, इसी को शॉर्ट में पैन कहते हैं। अब या बनता है कैसे भाई, तो बहुत पॉली का मतलब बहुत से यूनिट मिलेंगे, तो कौन यूनिट वहाँ मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पर एक्रिलो नाइट्रिल देख लीजिए, एक्रिलो नाइट्रिल के बहुत से अणु मिल गए तब बोला पॉली एक्रिलो नाइट्रिल, तो इसका मतलब इसका एकलक हुआ, इसका एकलक हुआ एक्रिलो नाइट्रिल। दोस्तों
अब आगे देखिएगा टेफ्लॉन, ये तो 12 में आता है यार, 12 में आएगा कि टेफ्लॉन कंपटीशनों में आएगा। टेफ्लॉन का एकलक क्या होता है, तो टेफ्लॉन बहुलक है। यहाँ पर आइए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए ईएनई लगबे करेगा, और दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए एथ लगबे करेगा। और देखिए फ्लोरीन कितना है, यहाँ दो फ्लोरीन, यहाँ दो फ्लोरीन, चार फ्लोरीन हो गए। देखिए एक जगह समझ जाइएगा तो 25 जगह काम आएगा। अभी मैं बोला था एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा। देखो चार है भाई, तो चार के लिए आ गया टेट्रा, तब पूरा इसका नाम हुआ टेट्रा फ्लोरो एथीन। आ इसमें यदि पॉली लग जाएगा तो पॉली टेट्रा फ्लोरो एथीन। दोस्तों ये क्वेश्चन सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। 12 में तो बस 12 की गारंटी कह दे रहा हूँ यार, लड़ा लेना, 12 में तो दो नंबर का लड़ेगा। अब कंपटीशन के जवन भाई तैयारी करते हैं हन, अब तो तुम यहाँ सयान हो गई, ढेर लोग जे 30 बरिस पहले पढ़ल बा उ तो ढेर सयान हो गई, होई ढेर लोग के नौकरियों हो गई, आज जेकर जेकर नौकरिया भइल बा उनका से उनका खाती भगवान से प्रार्थना करीला कि उन नौकरिया ईमानदारी से करी हन, संजय सर लेखा ईमानदार बन जाई हन। अब देखिएगा फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आपका बोर्ड एग्जाम भी पूछेगा और कंपटीशन भी पूछेगा। दोस्तों एकदम ध्यान रखिएगा, ये केवल 12 का आज का पढ़ाई 12 का नहीं है, कंपटीशन के बच्चों के लिए भी ये एकदम आ जाएगा। आज जब आएगा तो कम से कम मिठाइयाँ लेकर नौकरिया हो जाएगा, तो मिठाइयाँ लेके कम से कम संजय के पास आइएगा। अब देखिएगा आप सुनिएगा, रबर प्राकृतिक रबर और कृत्रिम रबर पूछेगा, पूछेगा ये तो आता है भाई कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, ये सभी लोग जानते होंगे। तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अब कोई कहेगा कि सर आइसोप्रीन कॉमन नेम है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नाम में सुन लीजिए, कार्बन काउंट कीजिए मेन चेन में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन में चार कार्बन है, और यह जो CH3 है वह ब्रांच में है। नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4। अब देखिए नीचे मैं नाम क्या दे रहा हूँ, CH3 के लिए जानबे करते हैं कि मेथिल होगा, आ चार कार्बन है तो ब्यूट होगा, आ एक से अधिक जगह पर डबल बॉन्ड है तो ए लग जाता है, आ कहाँ कहाँ पर डबल बॉन्ड है देख लो भाई, एक पर है और तीन पर है, तो 1 3 आई डबल बॉन्ड दो जगह है, इसलिए मैं लिख दिया डाई और डबल बॉन्ड के लिए ENE। तो कोई पूछेगा, सब कोई जानता है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो दुनिया वाले जानते हैं कि आइसोप्रीन का बहुलक है। अब सुनिए भाई, कहीं SPDM जो बनता है उसका क्वेश्चन वह कैसे पूछेगा, उसमें आइसोप्रीन नहीं देगा, उसमें यह देगा नीचे वाला, आ नीचे वाला दोगा आ नहीं याद रहेगा ये बात कि आइसोप्रीन का ही आईयूपीएसी नाम है, तो
याद रहते हुए भी आप वो क्वेश्चन को छोड़कर आ जाइएगा। दोस्तों अब अगली बात कि कृत्रिम रबर, कृत्रिम रबर में कुछ नहीं करना है, नियोप्रीन एक उदाहरण है और तो है ही, अगला वीडियो में भी आ जाएगा। तब कृत्रिम रबर में देखो अंतर क्या है, यहाँ जो प्राकृतिक रबर में CH3 था वहाँ पर CH3 के जगह पर CL है। अब CL का नाम क्लोरो है तो क्लोरोप्रीन कॉमन नेम हुआ। अब इसी का IUPAC नाम 1, यहाँ पर कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ 1 नहीं होगा 2 होगा, दूसरे नंबर पर है तो 2 नंबर पर क्लोरो आ गया, 2 क्लोरो। अब पुनः वही बतिया तो बाकी बच रहा है, 2 क्लोरो 4 कार्बन, यही बतिया भाई, यही बतिया यहाँ आकर बैठ गया, 2 क्लोरो 1, 2, 3, 4 वह बतिया, 2 क्लोरो ब्यूटा, क्यों ब्यूटा, 4 कार्बनवा था, फिर कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड था 1 पर और 3 पर, तो ब्यूटा 1, 3 आ 2 जगह पर डबल बॉन्ड है, कहाँ है 1 पर है और 3 पर है, इसलिए 1, 3 पोजीशन दे दिए, आ 2 जगह पर था डाई आ था क्या डबल बॉन्ड था, इसलिए EN। अब पूरे आज के वीडियो का थोड़ा समरी कर दूं कि आज का वीडियो 12 क्लास में 2 नंबर का क्वेश्चन लड़ाएगा और कंपटीशन में भी जहाँ तक उम्मीद है 1 या 2 नंबर, किसी भी कंपटीशन में बैठिएगा तो 1-2 नंबर का आ जाएगा और उस दिन पेपरवा जब देखिएगा तो संजय सर एग्जामिनेशन हॉल में याद आ जाएंगे। अब पुनः एक बार समरी कर लिया जाए, देखिए भाई क्या लिखा हूं, निम्नलिखित को याद कर लें, याद करना भाई 10% तो जरूर जरूरी है। ऐसे तो केमिस्ट्री को लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री और हिस्ट्री बड़ी बेवफा है, दिन को रट रात को सफा है, लेकिन संजय का केमिस्ट्री या कुछ है अलग टाइप का होता है, वो मेरा केमिस्ट्री बेवफा नहीं है, वो रटी अगर टेक्निक से तो जीवन भर के लिए सेव रहता है। तो अब देखिए मैं क्या किया था, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में अंतर किया था, वो तो 12 का वीडियो था, लेकिन मेरा हॉट कहा कि इतना ही से मैं किसी के बगली में नौकरी भी दे सकता हूँ और नौकरी वाले बच्चों के लिए, चूँकि 30 वर्षों से पढ़ाया हूँ तो बहुत सा बच्चा अभी भी मेरा बेरोजगार होगा, मेरा बेरोजगार होगा, लेकिन उन लोगों को आशीर्वाद देता हूँ कि जाओ मन से पढ़ोगे तो नौकरी धोकरी में आ जाइ रे दे रही है समत। अब ये सब याद कर लीजिएगा, सोडा को इकट्ठा में कर दिया था, फिर देखो चूल्हा वाले को इकट्ठा कर दिया था, सब पत्थर इकट्ठा कर ले बहन तोहनिए खाती, अब तनी तनी हमारा के भोजपुरी आए से बोला तनी कि तुने के हृदय में लागी आई याद कर ले बजा, हाई देखो सब याद कर लिया जा, जिप्सम प्लास्टर पेरिस, देखो एलम वाला भी याद रखना, आई हाई देखो मार्वेलस चीज है कि H2SO4 इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल, सब लोग याद कैला कि मुगल सम्राट के किंग के रहे, किंग जॉर्ज के नाम ही याद कैले बड़ा जा, लेकिन किंग केमिस्ट्री के केमिकल के किंग जल्दी याद करा सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सब है हो सब ध्यान रखिए जा बाबू। अब ये देखिए 5 था तो पेंटा वाला कॉन्सेप्ट मत भूलिएगा, 7 है
तो साथ के लिए हेप्टा वाला कंसेप्ट मत भूलिएगा और सब लिख दीजिएगा, जैसे पुनः बोल दे रहा हूँ। FeSO फिर फेरस सल्फेट हो गया, साथ के लिए हेप्टा बोल देंगे, जल के लिए हाइड्रेट बोल देंगे दोस्तों। और देखो ये सब एकदम याद कर जाइएगा, अभी तक तो मैं क्रिस्टलीय बोला फिर अक्रिस्टलीय, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड बीच में लाया, वो क्रिस्टलीय नहीं है, वो किंग ऑफ है केमिकल है। अब देखिए अक्रिस्टलीय में 12 के क्लास में यूनिट 15 बहुलक है, और बहुलक को मेरे जहाँ जो स्टूडेंट पढ़ा है वो जानता है कि यूनिट 15 हो को संजय सर यूनिट 1 में लपेट लेते हैं। कॉपिया जाकर देखना यारों कि बहुलक वाला पठवा यूनिट 1 में लपेटा गया है। क्यों लपेटाया? क्योंकि अक्रिस्टलीय में बहुत सा बहुलक आता है। तो आप ये बहुलक वाला देखिए, पॉलीथीन पूछेगा कि पॉलीथीन का एकलक क्या होता है, तो ये पॉलीथीन बहुलक है और उसका एकलक एथीन है। पॉलीविनाइल क्लोराइड बहुलक है, उसका एकलक है वेनिल क्लोराइड, उसी का IUPAC नाम। देखिए जो और के बाद मैं लिखा हूँ, और के बाद जो लिख रहा हूँ वह IUPAC नाम है, और के पहले जो लिखा हूँ वह साधारण नाम है। जैसे वेनिल क्लोराइड साधारण नाम हुआ, कॉमन नेम, और क्लोरो एथीन IUPAC नाम हुआ। अब देखिए एक बार तो गजीब हुआ, मैं पढ़ा टेफलॉन, अब परीक्षा में आ गया टेफलॉन नहीं दिया, वो दे दिया PTFE का एकलक क्या है, पूरा बच्चा नर्वस नर्वस। जबकि क्लासवा में मैं इसका फुल फॉर्म बोला था कि देखो भाई यह है जो PTE कह रहा है, पी है पॉली, टी है टेट्रा, एफ है फ्लोरो, ई है एथीन, तब टेफ्लॉन कभी नहीं हो दे सकता है, कभी इतना ही देगा, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, टेफ्लॉन का ही शॉर्ट फॉर्म है। अब आगे हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, पूछता है प्राकृतिक रबर और कृत्रिम रबर, 12 के बच्चे ध्यान रखिए, 12 के बच्चों को बोल रहा हूँ स्पेशल, पूछेगा कि कृत्रिम रबर और प्राकृतिक रबर का एक एक उदाहरण दीजिए। तब प्राकृतिक रबर देख रहे हैं उसका एकलक है आइसोप्रीन, और आइसोप्रीन कॉमन नेम है, और उसका देखिए IUPAC नेम, उसका IUPAC नेम है यही मेथिल ब्यूटा 1,3-diene। अब आप पूछिएगा कि सर कोष्टवा में C5H8 कहाँ से लिखे हैं, तो वो सुनिए कहाँ से, अरे गिनतिया तो है, ये तो LKG वाला अब बोल देगा, कार्बन गिन लीजिए टोटल 1, 2, 3, 4, एक यहाँ 5 कार्बन, वही 5 कार्बन वाला तो लिखा हूँ। अब हाइड्रोजन गिन लीजिए, 2 यहाँ है, 2 + 1 = 3, 2 + 5 = 3, 8 है। बबुआ रे कोई दिक्कत देख हुए तो आई लवस। अब अगला वीडियो पुनः जो आएगा वह आएगा क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, वहाँ पर आज ही मैं बोल दे रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कम तो 3 नंबर का क्वेश्चन लड़ाइए दूंगा। तब दोस्तों जैसा आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर वीडियो जल्दी जल्दी डालिएगा क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, इधर हुआ था क्या कि सिस्टम माइक कुछ बिगड़ गया था, इसलिए वीडियो डालने में कुछ देर होगा। अब भगवान से कल
प्रार्थना कीजिए कि मायकवा ठीक रहे और संजय सर स्वस्थ रहें, कि आपका जो रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी डालिए, तो हो सकता है कि भगवान की कृपा होगी कि सब व्यवस्था दुरुस्त रहेगा और आप लोगों का सहयोग मिलेगा, तो पुनः अगला वीडियो बहुत जल्द डालेंगे। थैंक यू।